नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की जंग फिलहाल 5 सालों के लिए थम चुकी है और नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज करा चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये सत्ता किसी दोधारी तलवार से कम नहीं मानी जा रही है। अब क्या है इस दोधारी तलवार की हकीकत और क्या है इसके पीछे की वजह, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीतकर एक बार फिर दिखा दिया कि दिल्ली के लोगों के दिल में वही बस्ती है। अब लोगों की सारी उम्मीदें आम आदमी पार्टी से ही हैं, क्योंकि अब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सत्ता है, लेकिन ये सत्ता दोहरी तलवार से कम नहीं है। दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। आर्थिक संकट में फंसे निगम को उबारने की दिशा में दिल्ली सरकार के पास चौथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि निगम की आय के तमाम विकल्प तत्काल ही नहीं बल्कि वर्षों तक आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने में सक्षम नहीं है। वहीं रिपोर्ट लागू होने पर दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को निगम को हर साल 3 गुना ज्यादा राशि देनी होगी, साथ ही दिल्ली सरकार को बीते 10 वर्ष की बकाया राशि भी देनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार वर्तमान में तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अपने तमाम कर व शुल्क से होने वाली आय का निगम को 4% हिस्सा देती है, जबकि चौथे दिल्ली वेतन आयोग रिपोर्ट में सभी कर और शुल्क की आय का एमसीडी को 12.5% हिस्सा देने की सिफारिश की गई है। चौथे दिल्ली वित्त आयोग ने एमसीडी को दिल्ली सरकार के कर और शुल्क से मिलने वाला हिस्सा बढ़ाने की सिफारिश करने के साथ ही राजस्व जुटाने में नाकाम रहने पर फटकार लगाई थी। रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया था कि एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स जुटाने की दिशा में कोई ध्यान नहीं है, केवल 25% लोगों से टैक्स मिल रहा है। इसके अलावा एमसीडी को आय के नए स्रोत पैदा करने की भी सलाह दी थी, मगर रिपोर्ट आए हुए 7 साल बीत जाने के बावजूद एमसीडी ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब इसमें देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे दिल्ली नगर निगम को इस संकट से उबार पाती है और दिल्ली की जनता को खुश कर पाने में कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।